आज की फिल्म है 2020 में आई मॉन्स्टर हंटर। मॉन्स्टर हंटर एक काइजू जॉनरे की मॉन्स्टर एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं पॉल डब्ल्यू एस एंडरसन। इस फिल्म के मेन लीड में हैं अमेरिकन एक्ट्रेस मिलिया जोवोविच और थाईलैंड बेस्ड एक्टर टोनी जा। फिल्म एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो हमारी धरती से अलग है, जहाँ इंसानों के साथ साथ दानवों का भी अस्तित्व है। फिल्म दिखलाती है कि कैसे इंसान उस दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दानवों से लड़ता है। एक दिन दूसरी दुनिया में रह रहे शिकारियों का एक दल एक डेजर्ट शिप में, जो अनंत रेगिस्तान में किसी पानी के जहाज की तरह चलता है, एक टावर की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, जो दोनों दुनियाओं के बीच पोर्टल या एक दरवाजा खोलने की शक्ति रखता है। वे उस टावर को नष्ट करना चाहते हैं ताकि ये पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाए। जैसे जैसे वे इस टावर के नजदीक जाएंगे, उन्हें उतने ही अधिक और खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। जब वे उस टावर के नजदीक पहुंच रहे होते हैं, उन पर डियाब्लोस नाम की प्रजाति के मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जो रेत के नीचे छुप कर चलते हैं। इस हमले में कई शिकारी मारे जाते हैं और टोनी जा, जो इस फिल्म में द हंटर है, अपनी साथी वॉरियर को बचाने की कोशिश करते हुए उस डेजर्ट शिप से नीचे गिर जाता है और वो पीछे इस रेगिस्तान में छूट जाता है, जहां पल पल में दानवों के शिकार हो जाने का डर है। इधर दूसरी तरफ पृथ्वी में यूएन जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस की एक टीम, जिसकी अगुवाई कैप्टन नेटली आर्टेमिस कर रही है, जो अफगानिस्तान में खोई सिपाहियों की एक दूसरी टुकड़ी को ढूंढ रही है। इस खोई हुई टुकड़ी का नाम ब्रावो टीम है। अपने मिसिंग होने से ठीक पहले ब्रावो टीम ने एक बड़े रेत के तूफान में फंसने की शिकायत की थी, और इसके बाद रेडियो पर गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी, फिर सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद से ब्रावो टीम का कुछ अता पता नहीं चला। जब कैप्टन नेटली आर्टेमिस की टीम, जिसका नाम डार्क स्टार है, वह खोई हुई ब्रावो टीम को ढूंढते हुए उनके आखिरी लोकेशन की तरफ जा रही है, वहां उन्हें मील के पत्थरों की आकृति के रूप में कुछ पत्थर मिलते हैं, जिसमें पौराणिक भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन पत्थरों का मतलब क्या है उन्हें पता नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी तरफ आती हुई एक रेत की आंधी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही आंधी में फंसने की शिकायत मिसिंग ब्रावो टीम ने भी की थी, सो वे उस आंधी से बचने के लिए वापस लौटते हैं। लेकिन रेत की आंधी इतनी तेज है कि जल्दी ही उन्हें घेर लेती है। इतनी भयंकर रेत की आंधी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। वे कहाँ जा रहे हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से इस रेतीली आंधी में बिजलियां भी चमक रही हैं। ऐसा तो कभी उन्होंने ना देखा था और ना ही सुना था। तभी वे देखते हैं कि उन पत्थरों में लिखी गई लिखावट रेतीली आंधी में हो रही थंडरिंग की वजह से चमकने लगी है, और तभी रास्ते के बीच में उन्हें एक बड़ी खाई दिखाई पड़ती है और वे उसमें जा गिरते हैं। ये खाई अचानक से उनके सामने आ गई थी। असल में वे किसी खाई में नहीं गिर रहे हैं, वे एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में जा पहुंचे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे गिर रहे हैं। इस दुनिया में चारों तरफ केवल रेत ही रेत है, और दूर पहाड़ी पर एक टावर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर थंडर स्ट्रोम दिखाई पड़ रहा है। पूरी सर्च पार्टी हैरान है कि वे कहाँ आ गए हैं, कैसे वे अपने तय रास्ते से इतना दूर भटक गए हैं। उनके पास जो मैप है, इसके अनुसार वहां पर कोई पहाड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसके ऊपर कोई स्काई टावर होना चाहिए। तभी एक सिपाही रेत के टीले पर चढ़ता है कि अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सके। तब उन्हें वहां खोई हुई ब्रावो टीम के कुछ बचे खुचे अवशेष मिलते हैं। वे देखते हैं कि ब्रावो टीम के आर्मर्ड व्हीकल के परखच्चे उड़े हुए हैं। यहां ब्रावो टीम के सिपाहियों की जली हुई लाश भी मिलती है। वे जिस चीज से भी जले हैं, उसकी गर्मी इतनी तेज थी कि आसपास की रेत भी पिघलकर कांच में बदल गई है। ऐसा किसी फ्लेम थ्रोअर से संभव नहीं है। कैप्टन नेटली की टीम समझ नहीं पाती है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ऊपर से उनका जीपीएस और रेडियो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उन्हें लगता है कि ये सब रेत की आंधी में हुई लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुआ होगा। उन्हें ये भी लगता है कि ब्रावो टीम ने आतंकवादियों से भारी रेजिस्टेंस का सामना किया होगा। वहां कई राउंड गोलियां भी चली हैं, गोलियों के खोल प्रतिरोध की गवाही देते हैं। वे जल्दी वहां से निकलते हैं और जोशीले गीत गाते हुए अपने हौसले को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका आवाज करना इस रेत में छुपे एक डियाब्लोस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आकर्षित करने का निमंत्रण है। ये मॉन्स्टर आवाज और वाइब्रेशन से किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। तभी कैप्टन नेटली की टीम को रेगिस्तान में एक बड़ा सा स्केलेटन दिखता है, जो किसी डायनासोर का तो नहीं हो सकता है।
क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में जिस डायनासोर को देखा है उसका स्केलेटन तो इतना बड़ा नहीं था। जब कैप्टन नेटली की टीम उस बड़े से स्केलेटन के पास होती है, इस दुनिया का एक मॉन्स्टर हंटर कुछ दूरी पर पहाड़ी से उन पर नजर रखता है और उन्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए लाल रंग के पाउडर को उनकी तरफ फेंक कर इशारा करता है। लेकिन कैप्टन की टीम ये इशारा नहीं समझ पाती है और हंटर की तरफ गोलियां चलाने लगती है। गोलियों का ये शोर डियाब्लोस मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचता है और वो कैप्टन नेटली की टीम पर हमला कर देता है। वे उस मॉन्स्टर पर कई राउंड गोलियां चलाते हैं। उनके पास जितने भी हथियार हैं वे उस पर फायर करते हैं, लेकिन डियाब्लोस की खाल इतनी मोटी है कि ना तो उस पर आधुनिक गैटलिंग गन की गोलियों की बौछार का कोई असर होता है और ना ही 50 BMG की M2 ब्राउनिंग ही उसका कुछ बिगाड़ पाती है। कैप्टन की टीम भागते हुए एक पहाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान डियाब्लोस के हमले से उनमें से एक सिपाही की मौत हो जाती है और एक सिपाही को मॉन्स्टर पकड़ लेता है। वो सिपाही उस मॉन्स्टर पर ग्रेनेड से हमला करता है, पर इसका भी डियाब्लोस की मोटी चमड़ी पर कुछ भी असर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर उस सिपाही को भी मार देता है। हालांकि दूर में खड़ा मॉन्स्टर हंटर सिपाहियों को उस मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देख रहा है, पर वो उनकी मदद नहीं कर सकता है। वो उनसे काफी दूरी पर है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इधर बची हुई टीम खुद को बचाते हुए पहाड़ी पर बने दर्रों में चली जाती है, जहां मॉन्स्टर उन तक नहीं पहुंच पाता है और वापस डेजर्ट में चला जाता है। कैप्टन नेटली और उसकी टीम ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी है और वे अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है और वे कहाँ हैं। हालांकि डियाब्लोस अभी के लिए तो चला गया है, लेकिन अब भी वे सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे अंधेरा होगा, नर्सेला कह जाने वाली मॉन्स्टर मकड़ियों का झुंड शिकार पर निकलेगा, जिसका डंक किसी को भी बेहोश करने की क्षमता रखता है। नर्सेला जमीन के अंदर अंधेरे में रहते हैं, उन्हें रोशनी से तकलीफ होती है, इसलिए वे अंधेरे में निकलते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, बची हुई टीम पर नर्सेला का झुंड हमला करता है। इस हमले में कैप्टन नेटली बेहोश हो जाती है और बाकी की टीम खत्म हो जाती है। अगली सुबह जब कैप्टन नेटली को होश आता है, वो खुद को एक कुकून के अंदर पाती है। नर्सेला नाम के मॉन्स्टर अपने शिकार को एक कुकून के अंदर रखते हैं, जहां नर्सेला के अंडे से निकले हजारों बच्चे उस कुकून के अंदर मौजूद जीवों को खाकर खुद को बड़ा करते हैं। थोड़ी देर में कैप्टन नेटली आर्टेमिस उस कुकून से बाहर आ जाती है। वो यहाँ उसकी टीम के बाकी के मेंबर्स को मरा हुआ पाती है, जो कुकून में बंद है। यहाँ केवल एक सिपाही लिंकन उसे जिंदा मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उसके शरीर पर नर्सेला के बच्चे किसी पैरासाइट की तरह पल रहे हैं। जल्दी ही उसकी भी मौत हो जाती है। एक नर्सेला मॉन्स्टर उसे भी मार देता है, पर किसी तरह कैप्टन नेटली नर्सेला के अंडरग्राउंड कॉलोनी से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। बाहर रोशनी में नर्सेला का झुंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वे रोशनी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नर्सेला के बंकर से बाहर आने के बावजूद कैप्टन नेटली पहाड़ी से दूर नहीं जा सकती है, क्योंकि बाहर रेत में कहीं डियाब्लोस मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा है। कैप्टन नेटली खुले में ज्यादा देर तक समय बर्बाद नहीं कर सकती है, इसलिए अपनी ताकत बटोर कर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इस दौरान उसे पानी के जहाज का टूटा फूटा अवशेष मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ कभी इंसान भी रहे होंगे। उसके अंदर एक उम्मीद से जगती है। हालांकि जब वे शुरू में इस रेगिस्तान में आए थे तो किसी ने रेड पाउडर के जरिए उन्हें सतर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक कैप्टन उस आदमी से नहीं मिल पाई है जिसने उन्हें सतर्क करने की कोशिश की थी। कैप्टन को पता नहीं है कि वो अब भी छुपकर उस पर नजर रख रहा है। शायद उसे शक है कि नर्सेला के द्वारा उसे जमीन के अंदर अपनी बांबी में खींच लिए जाने के बाद उसके शरीर पर नर्सेला के बच्चे तो नहीं पल रहे हैं। जब हंटर को ये तसल्ली हो जाती है कि कैप्टन नेटली पर किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है, तो वो वहाँ उसके सामने आता है। लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन की वजह से उनके बीच लड़ाई होने लगती है। हालांकि यहाँ हालात ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से ही लड़ा जाए। उन्हें मिलकर कॉमन सेंस से काम लेना होगा और मॉन्स्टर से खुद को बचाने के लिए मिलकर रणनीति बनानी होगी, पर वे ऐसा नहीं करते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं। बाद में हंटर कैप्टन को हरा देता है और उसके हाथों को बांधकर अपने साथ पहाड़ी में बने एक गुफा में ले जाता है, जहां उसने रात में नर्सेला के झुंड से खुद को बचाने का अच्छा प्रबंध कर रखा है। रात को नर्सेला का झुंड उसकी गुफा में घुसने की बहुत कोशिश करता है, पर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगली सुबह वे दोनों फिर से लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं
जब तक कि हंटर नरसेला की बांबी में गिरते गिरते नहीं बचता है। बाद में कैप्टन नेटली हंटर को चॉकलेट देती है और तब जाकर उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। हंटर बदले में अपनी तरफ से उसे पानी तोहफे में देता है। हंटर तब उसे दूर टावर लाइक स्ट्रक्चर को दिखलाता है। वो इशारों में उसे समझाता है कि उन्हें किसी भी हाल में वहां तक पहुंचना होगा। वही उसकी दुनिया में जाने का एकमात्र रास्ता है और वही टावर पोर्टल खोलने के लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन अब भी उनके और उस टावर के बीच डियाब्लोस मॉन्स्टर मौजूद है। हंटर प्लान बनाता है कि वे एक नरसेला मॉन्स्टर पकड़ेंगे और उसके डंक से डियाब्लोस को बेहोश करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। इसलिए वे एक ट्रैप बनाते हैं। कैप्टन नेटली नरसेला के लिए एक चारा है। कैप्टन वहां खड़े होकर मॉन्स्टर को अपने तरफ आकर्षित करती है और एक नरसेला मॉन्स्टर को अपने पीछे उस ट्रैप की तरफ लेकर आती है। जैसे ही नरसेला उस ट्रैप में फंसता है, हंटर एक बड़े से तलवार से जो किसी मॉन्स्टर के दांतों से बना है उस नरसेला मॉन्स्टर का सर चीर देता है और उसका डंक काट देता है। अगली सुबह वे उसके डंक को एक तीर में लगाते हैं और डियाब्लोस मॉन्स्टर को मारने की तैयारी करते हैं। तब हंटर कैप्टन नेटली को एक अलग तरह के हथियार भी दिखलाता है जो डियाब्लोस की मोटी चमड़ी को काट सकती है। जब उन्हें आपस में सटाया जाता है तो उनसे आग की लहर पैदा होती है। हंटर उसे हथियार चलाने की प्रैक्टिस भी करवाता है। अब वे तैयार हैं डियाब्लोस का शिकार करने के लिए। डियाब्लोस का ध्यान भटकाने के लिए वे एक ड्रम का इस्तेमाल करते हैं और उसे एक गुलेल की मदद से दूर रेत में फेंक देते हैं। जब डियाब्लोस उस ड्रम की तरफ बढ़ता है तब वे रेत में पड़ी हुई हम्वी की तरफ भागते हैं जहाँ एक रॉकेट लॉन्चर है। कैप्टन नेटली को उम्मीद है कि इससे उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है क्योंकि RPG टैंक के मोटे आर्मर्स को भी भेदने में सक्षम होते हैं। लेकिन वे ज्यादा देर तक डियाब्लोस के ध्यान को नहीं भटका पाते हैं। अब डियाब्लोस उनकी तरफ बढ़ता है। चूंकि डियाब्लोस साउंड और वाइब्रेशन के प्रति सेंसिटिव है, वे मॉन्स्टर को गुमराह करने के लिए एक जगह स्थिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में मॉन्स्टर को पता नहीं चलता है कि उसका शिकार कहाँ है। लेकिन वे ज्यादा देर तक वहां पर खड़े नहीं रह सकते हैं, इसलिए हंटर इस बार खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है और दूसरी दिशा में दौड़ लगाता है। तब उसके दौड़ने से डियाब्लोस उसकी तरफ आकर्षित होता है। भागते हुए वो नरसेला के डंक से बने तीर के जरिए उस पर हमला करता है और वो तीर सीधे डियाब्लोस की एक आंख में जा लगता है। इधर कैप्टन नेटली उस हम्वी तक पहुंच जाती है और डियाब्लोस पर गैटलिंग गन से गोलियां बरसाने लगती है जिससे कि डियाब्लोस का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उसके नजदीक आए ताकि वो रॉकेट लॉन्चर से उस पर शूट कर सके। और जब डियाब्लोस उसके नजदीक आता है वो ऐसा ही करती है, लेकिन RPG से भी डियाब्लोस की मोटी चमड़ी पर कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन जब हंटर ने उसकी आंख में नरसेला के डंक से बने तीर को घुसाया था उस पर नरसेला के जहर का असर होने लगता है। मॉन्स्टर पर बेहोशी छाने लगती है और वो स्लो हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर हंटर डियाब्लोस के सर पर उसके दो सींगों के बीच अपने बड़े से तलवार को जो उसने किसी मॉन्स्टर की हड्डियों से बनाया है और जो डियाब्लोस की मोटी चमड़ी को भी काटने की क्षमता रखता है उस हथियार को उसके सींगों के बीच धंसा देता है। लेकिन मॉन्स्टर के सर झटकने से हंटर दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसलिए इस काम को कैप्टन नेटली करती है और अपने जान को जोखिम में डालकर डियाब्लोस के सिर पर किसी तरह हार्पून की मदद से चढ़ने में कामयाब हो जाती है और उस आधे धसे तलवार को पूरी तरह से उस मॉन्स्टर के सर में धंसा देती है। इसी के साथ डियाब्लोस मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब चूंकि हंटर बेहोश है और वो उसे वहां छोड़कर आगे नहीं जा सकती है, इसलिए कैप्टन नेटली डियाब्लोस के खाल का एक हिस्सा काटती है और हंटर को उसमें लिटाकर उसका इस्तेमाल किसी स्लेज की तरह करती है और हंटर को खींचते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है रेतीली आंधी फिर से शुरू हो जाती है और कैप्टन नेटली हंटर के साथ उस रेतीली आंधी से बचने के लिए रेत में गड्ढा खोदकर खुद को छुपा लेती है। हंटर अब भी बेहोश है इसलिए वो उसका ख्याल रखती है। अगली सुबह रेतीली आंधी रुक जाती है और हंटर को भी होश आ जाता है। वे दोनों उस टावर की तरफ अपनी जर्नी अब शुरू करते हैं। काफी देर तक चलने के बाद वे एक ओएसिस जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां रेगिस्तान के बीच छोटी सी जगह में पानी और जंगल मौजूद है। यहां दूसरे कई जानवर भी हैं जो शाकाहारी हैं। वे पानी के तालाब से एक पानी का जीव जो एक तरह की आदमखोर मछली है जिसे सेफालोस कहा जाता है उसे मारते हैं। आज का दिन उनके लिए अच्छा गुजरता है। वे पेट भर कर खाते हैं और आराम करते हैं। जब रात होती है
वहां रथलोस नाम का एक आग उगलने वाला ड्रैगन आसमान में मंडराने लगता है। ये सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, इसे मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यहाँ वो उनका शिकार करने नहीं आया है। राथालोस इस जंगल में रहने वाले शाकाहारी जानवरों के लिए यहाँ आया है। जंगल में राथालोस के आग उगलने से उन बड़े बड़े कवच वाले शिकारी जानवर जिसे अप्सरोस कहा जाता है, उनके बीच भगदड़ मच जाती है। वे किसी बेकाबू बुलडोजर की तरह उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अप्सरोस की भगदड़ में दबकर मर जाते हैं, हंटर की पुरानी टीम जिससे वो शुरुआत में बिछड़ गया था वहां पहुंचकर उन्हें बचाती है। असल में जब मॉन्स्टर के हमले से उनका शिप टूट फूट चुका था, वे यहां पर रुककर अपने शिप को ठीक कर रहे थे, और ऐसा करने के बाद वे स्काई टावर की जांच के लिए जाने वाले थे जो दोनों दुनियाओं के बीच पोर्टल खोलने का काम करती है। यहाँ हंटर की पुरानी टीम का लीडर कैप्टन नेटली की भाषा बोल सकता है, क्योंकि वो उस दुनिया से इस दुनिया में आने वाली पहली इंसान नहीं है। इससे पहले भी कई लोग वहां से यहां आ चुके हैं और उसने उनसे उनकी भाषा सीख ली है। वो नेटली को बतलाता है कि पहाड़ी के ऊपर जो स्काई टावर है वो असल में एक प्राचीन लेकिन उन्नत सभ्यता की बची खुची निशानी है। ये सभ्यता इतनी एडवांस थी कि उन्होंने इस स्काई टावर को बनाया है जो दोनों दुनियाओं के बीच यात्रा करने के लिए उनका एक जरिया था। इस टावर की रक्षा रेथलोस नाम का मॉन्स्टर करता है जिसे मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस मॉन्स्टर की एक कमजोरी है और वो ये है कि जब वो आग उगलने से पहले हवा अंदर खींचता है तब थोड़े समय के लिए कमजोर होता है। इसी समय अगर उस पर वार किया जाए तो उसे मारा जा सकता है। अगली सुबह कैप्टन नेटली हंटर और उसकी पुरानी टीम के साथ मिलकर उस स्काई टावर की तरफ बढ़ते हैं। इस टीम में एक से बढ़कर एक शिकारी है जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए कई मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन अब वे जिस टावर की तरफ जा रहे हैं वहां उन्हें इस दुनिया के सबसे खतरनाक क्रीचर से लड़ना होगा। वे पूरे दिन की पैदल यात्रा करके उस पहाड़ी तक पहुंचते हैं जहां स्काई टावर बनाई गई है। ये पहाड़ी जो दूर से छोटी और साधारण सी लगती है, असल में एक ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत को पुरानी सभ्यताओं ने बड़े ही करीने से तराशा है और यही वो एंशियंट टेक्नोलॉजी भी रखी गई है जो दोनों दुनियाओं के बीच पोर्टल खोलने के लिए जिम्मेदार है। इस एंशियंट टेक्नोलॉजी को चलाते रहने के लिए ऊर्जा उसी ज्वालामुखी से उसे मिलती है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से टावर के ऊपर हमेशा थंडर स्टॉर्म होता रहता है, क्योंकि अब पौराणिक सभ्यता का कोई भी उस स्काई टावर को कंट्रोल करने के लिए जिंदा नहीं बचा है जिन्होंने कभी उस स्काई टावर को बनाया था और जिसके जरिए दोनों दुनियाओं में वे यात्रा करते थे। इसलिए स्काई टावर के जरिए खुलने वाला पोर्टल अब अनकंट्रोल है। स्काई टावर के आसपास ऐसे पोर्टल अब खुलते और बंद होते रहते हैं। कैप्टन नेटली आर्टिमिस हंटर और उसकी टीम बिना किसी रुकावट के उस स्काई टावर के नजदीक बने ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। यही ब्रिज उन्हें स्काई टावर तक लेकर जाएगा, लेकिन जब वे यहां से आगे बढ़ते हैं उन्हें रेथलोस नाम के ड्रैगन का सामना करना पड़ता है। रेथलोस मॉन्स्टर को मारना उन प्रशिक्षित हंटर्स के लिए भी मुश्किल है। उनकी टीम के कई सदस्य ड्रैगन की आग उगलने की ताकत की वजह से जलकर मर जाते हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि ड्रैगन आग उगलने से ठीक पहले कमजोर होता है, वे इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अपने हथियार से कई चोट करते हैं, लेकिन ड्रैगन के लिए ये मात्र खरोंचों की तरह है। इसी दौरान जब वे उस ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं एक पोर्टल फिर से खुलता है और कैप्टन नेटली इसमें गिरकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। यहाँ धरती में यूएन की एक टीम एयर और ग्राउंड सपोर्ट के साथ खोई हुई टीम को ढूंढ रही है। वे जल्द ही कैप्टन को ढूंढ लेते हैं और उसे बचाते हैं। चूंकि स्काई टावर अनकंट्रोल हो चुका है और उससे पोर्टल खुलते और बंद होते रहते हैं, जिस वजह से वहां से कैप्टन का पीछा करते हुए ड्रैगन भी इस दुनिया में आ जाता है। यहां आधुनिक हथियारों की मदद से भी ड्रैगन को मार पाना मुश्किल है। ड्रैगन ना सिर्फ विशाल है बल्कि बड़ी कैलिबर वाली बंदूकों का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। आधुनिक टैंक्स, हेलीकॉप्टर और उसमें लगे घातक हथियार ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। थोड़ी ही देर में ड्रैगन यूएन की पूरी टीम को खत्म कर देता है। अब वहां केवल कैप्टन नेटली आर्टिमिस ही बचती है, जो अब पूरी तरह से उस पोर्टल से धरती पर वापस आने के फटीक से उभर चुकी है। वो जानती है कि ड्रैगन को कैसे मारना है। वो ड्रैगन के आग उगलने से ठीक पहले उसके मुंह में ग्रेनेड लॉन्चर की 40 mm कार्ट्रिज को थ्रो करती है, जिससे उसके मुंह के अंदर एक धमाका होता है जिसमें ड्रैगन के अंदर मौजूद चलने वाला पदार्थ आग पकड़ लेता है और उसमें धमाका होता है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि ड्रैगन मर चुका है, पर ऐसा नहीं है। वो फिर से खड़ा होता है
और कैप्टन नेटली आर्टेमिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब यहाँ उसकी मदद करने के लिए हंटर भी आ पहुँचा है। वो घायल ड्रैगन पर हमला करता है और ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब भी पोर्टल खुला है और दूसरी दुनिया में केवल एक ड्रैगन नहीं है, ऐसे कई ड्रैगन वहाँ मौजूद हैं। उन्हें किसी भी हाल में उस स्काई टावर को नष्ट करना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर वहाँ से यहाँ आते रहेंगे। इसलिए वे फिर से उसी दुनिया में लौटने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें एक और ड्रैगन से लड़ना है जो पोर्टल के जरिए इस धरती में आ चुका है। इसका मतलब है कि लड़ाई अब जारी रहेगी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।